नमस्कार फ्रेंड, फिर से BNS इलेक्ट्रॉनिक में आप लोगों का स्वागत है। आपने तो LED TV का डिस्प्ले और मोबाइल बहुत सारा डिस्प्ले देखा होगा, लेकिन उसका अंदर क्या है आपको पता नहीं होगा। आज मैं उसका बारे में देखेंगे और जानेंगे उसका अंदर कितना लेयर होता है। LED TV हम देख रहे हैं, लेकिन लेयर कितने हमको पता नहीं। आप देखते हैं और पिक्चर किस तरह आता है और क्या क्या पीछे रहता है, डिस्प्ले का पीछे क्या क्या रहता है। सबसे पहले मैं मेरा जो पाम शोल्डर रखा है उसको हीटिंग करके ये देख सकते हो इतना लेयर होता है। नॉर्मली हमारा चार लेयर होता है, LED TV में चार लेयर होता है। पीछे साइड पॉलिएस्टर शीट और आगे साइड पॉलिएस्टर शीट रहता है, ये देख सकते हो। इसका ड्राइंग मैं दे चुका हूँ, चलो इसको ओपन कर लेते हैं। पहला ये देख सकते हो, फ्रंट रहता है पॉलिएस्टर और बैक साइड पॉलिएस्टर रहता है। ये बहुत पुराना डिस्प्ले है इसलिए खुल गया, नहीं तो नया डिस्प्ले इतना जल्दी खुल नहीं पाता है और टूट जाता है। 1 mm से भी ज़्यादा कम है ये डिस्प्ले का जो ग्लास है, ये पुराना वाला है इसलिए खुल गया है। चलो इसको फिर भी नहीं निकाला है, इसको थोड़ा हीटिंग करके निकालता हूँ। चलिए देख सकते हो क्या क्या रहता है। नॉर्मली दो पोलराइजर रहता है, हमारा बीच में रहा दो ग्लास, लिक्विड क्रिस्टल रहता है और एक कलर फिल्टर रहता है। और इसको पूरा बाहर निकाल देता हूँ। ये देख सकते हो जो फ्रंट वाला सीट में, इसमें हमारा जो है कप आइस में बॉन्डिंग होता है। मैंने इसका पॉलराइजर शीट को निकालने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वो थोड़ा जुगाड़ नहीं है इसलिए लेट हो रहा है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखा देता हूँ। चलो पीछे साइड से बैक साइड से मैं निकाल के दिखा देता हूँ। जो अगर इस तरह LED का काम कर रहे थे उसको समझ में आता होगा, ये देख सकते हो। ये रहा हमारा पॉलराइजर, ये फिर भी देखो ये टूट गया। जो हमारा कलर फिल्टर है ये टूट गया है। दूसरा वाला ग्लास आपको दिखाता हूँ मैं, ये देख सकते हो, तो जिसमें हमारा पिक्चर आता है इसमें ही सिर्फ आता है। इसका ऊपर भी एक लगा हुआ है पॉलराइजर, पहले से ही बता चुका हूँ, ये देखो इस तरह है। और उसके पीछे दो तीन सीट रहता है, उसके बाद हमारा बैकलाइट रहता है, ये देख सकते हो। यहाँ से हमारा जो है कॉफ आईसी, इसमें हमारा बॉन्डिंग होता है इस ग्लास का ऊपर। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आगे इस तरह वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।